आप लोगों में से कईयों ने मुझसे पूछा है कि उनको पार्टिसिपेट करना है, उन्हें ब्लॉक्स अपने हाथों से बनाने हैं, लेकिन उनको ना स्टिचिंग आती है, ना एम्ब्रॉयडरी आती है, ना निटिंग, ना क्रोशे। तो मैंने कहा चलो मैं आज कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसे बनाऊँ एकदम स्पॉन्टेनियसली, शायद कुछ क्लिक कर जाएगा। बेहतर इज अ विल, देयर इज अ वे। सो आई एम डिटर्मिंड कि आज तो हम कुछ अच्छा ट्राई करेंगे। मैंने कभी नहीं किया, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑल्सो, बट आई थिंक इट्स टाइम आई स्टार्टेड इट एंड आई डिड समथिंग फन विद ऑल ऑफ यू। सो एज आई सेड, एनीवन कैन डू इट। अब आप देख रहे हैं कि मैं ना ड्रॉइंग कर रही हूँ, ना कोई वो कर रही हूँ, बस मेरे आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और एक्चुअली कुछ सुंदर ही बन रहा है। मैं कोई कंपटीशन में तो पार्ट ले नहीं रही, मैं तो एक दिल से जा रही हूँ कि कोई सुंदर सी कलरफुल सी चीज़ उनको पहुँचे जो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी तो ऐसी है कि ये मेरा आइडिया है, आपका कोई और आइडिया होगा इसी चीज़ को बनाने का, तो आप अपने मन से करिए, आपका मेरे से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका, मैं तो आपके सामने बस ये दिखा रही हूँ कि यू कैन जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड सी वेयर यू गो, गो विद द फ्लो, एंजॉय इट एंड रिमेंबर यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड इट्स गोइंग फॉर अ गुड कॉज। दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग द चाइल्ड इन यू। हम सब के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। हम अपने बच्चों के साथ तो अपना बचपन जी लेते हैं, लेकिन अब हम खुद के लिए जिएंगे। और तो चलो अपना बचपन ढूंढते हैं। जैसे मैंने कहा, आर्ट हैज नो रूल्स, आर्ट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस। सो लेट योर हार्ट जस्ट फ्लो, लेट योर आइडियाज इमेजिनेशंस जस्ट फ्लो, जस्ट मेक विद अ स्माइल, बी हैप्पी, खुशी से करो, दिल से करो, अपने आप सुंदर चीज ही बनेगी। See what my mind takes me to, and again, it's not any masterpiece. I just want to be in a happy place and make something beautiful. याद रखिए, ये जो कला है, creativity है, ये जो है हमारे right side के brain से direct होता है। हम नहीं कह रहे, science कह रही है कि ये right side of the brain is the creative brain. याद रखिए कि ये कोई गणित नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। ये तो वो है कि आपने अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी इमेजिनेशन को एक उड़ान देनी है। और कितनी लंबी उड़ान देनी है ये तो आपके ऊपर है। बस आप तो मौज मस्ती करते करते कुछ सुंदर बनाइए, जो भी आपका दिल कह रहा है, के मन से जो भावनाएं आ रही है उसे आप उसमें ट्रांसलेट कर दीजिए एक स्क्वायर में, एंड उसका परिणाम अवश्य ही बहुत बढ़िया होगा।